शो। सिद्धू भाजी आज आपको मैं गारंटी देता हूँ, आज आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। आज आप बोल के दिखाओ, हंसते रहो उधर मुंह करके। दोस्तों इन दिनों सिनेमाघरों में एक जबरदस्त फिल्म जो है धूम मचा रही है। इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि ये सच में देखने के काबिल है। तो इस फिल्म की सक्सेस को हमारे साथ सेलिब्रेट करने यहां आ रही है फिल्म काबिल की पूरी टीम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रोड्यूसर मिस्टर राकेश रोशन, डायरेक्टर मिस्टर संजय गुप्ता, सुपरस्टार ऋतिक रोशन, यामी गौतम, रोनित राय, रोहित रॉय। जोरदार तालियां एक बार काबिल की पूरी टीम के लिए। सिद्धू भाजी को नमस्ते। अच्छा सिद्धू पाजी के मजे हैं, दोनों तरफ काम चल रहा है, इधर कटआउट पड़ा है, उधर ओरिजिनल पहुंचे हुए हैं। वेरी नाइस सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार आए हैं और बाकी सब आ चुके हैं। रोहित भाई आप भी पहली बार आए हैं। आप सबको काबिल की सक्सेस के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। थैंक यू। तो सर जहां जहां जगह जगह मिलती है अपने हिसाब से, जैसे कहां मैं यहां बैठता हूं। All the boys on one side. बड़ी जगह बच गई। और सुनाइए। It is wonderful. ताकि सबके चेहरे मैं देख पाऊं। आप सबने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। और ऋतिक भाई, fabulous job. Thank you. सबने अपने किरदार इतने बखूबी निभाए हैं, ऑब्वियसली तभी एक फिल्म जो है वो पर्दे पे चमकती है। और आपको ढेर सारी मुबारकबाद एक बार फिर से। ऋतिक भाई आप बहुत ही मेहनती आर्टिस्ट हैं। सर कितना मुश्किल था एक ऐसे करेक्टर को निभाना जिसको दिखाई नहीं देता है? डिफिकल्ट तो था जी, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्ट चीजें की हैं उनके मुकाबले में जो आप करते हो ना वो मतलब दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एवर। सो स्वीट ऑफ यू। तो आपके सामने ये कहना कि मैंने कुछ बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए, जो आप करते हो ना उसके सामने so उसके मुकाबले में कुछ नहीं। आई लव यू भाई, आई लव यू टू। सोनी चैनल प्लीज इस लाइन को 3-4 बार रिपीट करके प्रोमो में भी चलाया जाए। तो सर जब आपने एक्चुअली सारी फिल्मों के नाम कैसे शुरू होते हैं, जब आपने पहली फिल्म के से खुद गर्ज शुरू की थी, तब आपने कभी सोचा था कि ऐसा बंदा आएगा मतलब टीवी पे इतना अच्छा शो आएगा तो हमें मिलने का मौका मिलेगा? कभी नहीं सोचा। और इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि हम हर कदम में सफलता मिलती जा रही है। आज आपसे मिलकर मुझे और सफलता मिली है। सो स्वीट ऑफ यू सर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे शो पे आए, और आज एक्चुअली 4 चांद लग गए हैं पूरी काबिल की टीम को यहाँ पे देख के। यामी के लिए भी जोरदार तालियां, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना किरदार निभाया। यामी और ऋतिक जो हैं वो दो ऐसे प्रेमियों की कहानी है जिनको दिखाई नहीं देता है, और बहुत ही बखूबी आपने निभाया। तो चेक वगैरह तो पूरा देख के लिया है कि नहीं आपने? रौनिक भाई इतने क्यूट लगते हैं। क्यूट आप देखिए, हाँ ऐसे लगता है कि इन्होंने कुछ देखा ही नहीं दुनिया में अभी तक। बड़े प्यारे लग रहे हैं, डिम्पल पड़ रहे हैं, लेकिन हर फिल्म में अभी ये ऐसे विलन बन के निकल के आते हैं, हमें लगता है कि वही रोनित रॉय हैं जो सोनी टीवी पे कभी कभी क्रिमिनल्स के केस सॉल्व करते हैं और बाहर बड़े पर्दे पे जाके खुद क्राइम करने लगते हैं। सर आपने इस फिल्म में बहुत अच्छी मराठी बोली, आपको ऑलरेडी आती कि आपने सीखी थी स्पेशली? नहीं, इस फिल्म के लिए सीखी थी। अच्छा, तो फिल्म में चैलेंज ये था कि मराठी नहीं बोलना है। अच्छा, हिंदी बोलनी है महाराष्ट्रियन की तरह। राइट, तो वो कोचिंग ली थी। वो बहुत एक्चुअली मुश्किल चीज होती है कि हिंदी तो आप कई सालों से बोल ही रहे हो। हाँ, लेकिन एक सेम जैसे आप अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं बोलते हैं वैसे जो सिमिलर। रोनित और रोहित दोनों पहली बार सर आपने एक फिल्म में काम किया? जी पहली बार काम किया। तो जब आपको पता चला कि आप दोनों साथ में फिल्म कर रहे हैं जी, और दोनों ही मैं सबसे पहले तो आपके काम की तारीफ करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप इतने कमीने लग रहे थे। आई मीन ये आपकी कला की जीत है जो आप कर रहे हो, वो लगने चाहिए। और आप कला की जीत के ऊपर मैं जरा सॉरी आई इंटरजेक्ट, क्योंकि कला की जीत इसमें एक और वे में बहुत ही मतलब प्रेज़वर्दी है जी, क्योंकि इतने खतरनाक लगे हैं ये दो पिक्चर में जी, लेकिन नॉर्मल लाइफ में इतने हैंडसम हैं, इतने स्वीट हैं। क्या आप जानते हो कि इन दोनों का पेट नेम क्या है?
नेशनल टीवी, अरे पीपल शुड नो, मतलब अरे इतने खतरनाक विलन्स, शलार, शलार है उनका नाम, माधव शलार, और रियल लाइफ में इनका नाम है पिंकी. पिंकी और इनका कोको, तुम कैसे हो आज? ओहो कोको, फिल्म काबिल में जो खतरनाक विलेन पिंकी और कोको, कोको एंड पिंकी, थ्री चेयर्स टू कोको एंड पिंकी. अब मुझे लग रहा है मैं दोबारा फिल्म देखूंगा ना, शायद आप मुझे इतने बुरे लगेंगे नहीं कि नहीं यार ये तो कोको और पिंकी है. जी सर, वी वांट टू नो आपका नाम कोको और पिंकी पढ़े कैसे? जी बिल्कुल, ये बहुत इधर ही आके बैठ जाओ. रोनित जी जो थे जब पैदा हुए थे तो बड़े पिंक थे, जैसे हर बच्चा होता है. Okay. लेकिन इनको शायद माँ बाप को सोचने का वक्त नहीं मिला था तो इनका नाम पिंकी रख दिया. तो वैसे कुछ हुआ था. थैंक यू. आप ये नहीं जानना चाहते कि हमारे ये खूंखार डायरेक्टर का नाम क्या है? प्लीज आज सारे पोल खुले. ये मुझे कैसे नहीं पता? इनका नाम है मुन्ना. Oh God, this table is not good. मुन्ना पिंकी. संजय सर उनका तो फिर भी हम डाइजेस्ट हो रहा है. चलो पिंकी कोको. आप किधर से मुन्ना? मतलब आप तो मुन्ना पूरे पूरे. अच्छा बचपन में था ना. अच्छा सोचो हमके बोले संजय गुप्ता जी आ रहे हैं और मैं बोलता कि मुन्ना की फिल्म आ रही काबिल. लगे हाथ. आप भी अपना पेट नेम बता दो. हाँ आपका यार ये तो. अरे कम ऑन कम ऑन, ऑनेस्टली. घर वालों ने तो कपिल रखा है. प्यार से लड़कियां कैप्स कहती हैं. मैंने देखा है राकेश सर आप इस बात से सहमत होंगे क्योंकि आप भी ऋतिक के साथ इतनी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं. जब बाप बेटे या दोनों सगे भाई साथ में काम कर रहे हो, कई बार ये भी होता है कि यार मेरा बड़ा भाई सामने है या आपको लगता है मेरा छोटा भाई सामने, इसके सामने मेरा रीटेक ना हो जाए फिर मैं बड़ा भाई कैसा अगर मैंने रीटेक दे दिया उसके सामने. टेंशन होती थी आपको जब साथ में दोनों सीन? उल्टा है, उल्टा है. अच्छा. कि मुझे टेंशन होती थी कि कहीं इसके सामने जो बहुत ये शॉर्ट टेम्पर्ड है. अच्छा. हाँ तो कहीं लोगों के सामने, गुप्ता साहब है वहाँ सेट पे डायरेक्टर बाकी लोग भी हैं, तो कहीं ये सबके सामने ना मुझे डांट दे के क्या कर रहे हैं तुम, काम नहीं आता तुमको. ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको, सच्चा प्यार है ना? ऐसा है, सच्ची बात है. I am a father of two sons. I really hope ke mere bacche jab bade honge they share a relationship like you two. So really. Sweet. So sweet. Thank you. Aur main chahta hu ki jab mere bacche bade ho Ritik Roshan jaise nikle. To Rakesh sir jab aap direct kar rahe hote hain Ritik sir ki koi movie, aap to inko khair bachpan se jante honge. Stupid question. Matlab jante hi hain. To आप टोकते हैं कभी कभी कि कोई मतलब कि ऋतिक ये सही नहीं हो रहा है या ये बेटा होने के नाते ऐसा खब? नहीं नहीं पापा ठीक तो हो रहा है. हमारी रिलेशन ऐसी है जी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कुछ भी मुझे कह सकता है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ. बहुत अच्छी बात सर. इसीलिए आप हम जी सकते नहीं एक दूसरे से. क्या बात. अच्छा ऐसा भी होता होगा ना जब कभी आपकी बात मान गए ऋतिक तो आपके मन में फील आता हो कि बाप बाप ही होता है. उसके बाद जब ऋतिक होना प्यारे का एक खुलासा मैं आज कर सकता हूँ. जी जब मेरे सीन्स एडिटिंग रूम में एडिट होते थे और पापा वहां पर बैठते थे उसे काटने, तो पापा क्या है बहुत ही फोकस्ड ऑब्जेक्टिव डायरेक्टर है. ये नहीं कि मेरे बेटे का ये शॉट अरे यार क्या लुक है यार इसको थोड़ा दो तीन फ्रेम और रखते हैं, नहीं काटो 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 नेक्स्ट क्या है. पीछे मैं बैठता था वहां पर और मैं देखता था कि अरे यार पापा कट दैट वन शॉट ऑफ माइन यार बहुत अच्छा शॉट था वो यार शिट व्हाट डू आई डू यार. और अंदर से पैल्पिटेशन हो रहे हैं यार कोई दुनिया में कोई देखेगा नहीं मेरा ये शॉट मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं. तो एडिटिंग खत्म, पापा यूज़ टू सिट इन द कार, आई यूज़ टू सिट इन द बैक सीट विद हिम, समटाइम्स आई यूज़ टू गो इन द ऑटो. तो घर में पहुंचता था और पापा के साथ ऊपर, पापा जाते थे अपने कमरे के अंदर, मैं सुनता था, सब साइलेंट है मतलब आराम हो रहा है अंदर. वापस आता था ऑटो में बैठता था, फिर से जाता था एडिटिंग रूम में, खोलता था मैं, चाबी मेरे पास में थी, मैं खोल के एडिटिंग रूम में बैठ के अपना शॉट वापस में डाल देता था. Are you serious? Really? Wow.
और अपने एडिटर से कहता था, देख यार तू क्या बोलता है, शॉट अच्छा है कि नहीं, सीन इज गेटिंग बेटर और इट इज गेटिंग स्पॉइल्ड. So he used to say, yeah, no, Dugu, it's much better. I like it. Haan, so see then, tomorrow Papa will come. You show him the scene. Don't tell him first. If he's okay, he says okay for the scene, you let it go, no? Don't tell him that I came and I did all this and all that. So Papa aate the, dekhte the scene. Pura scene khatam hua. Thoda pause. Wo jo ek head used to go down. Matlab samaj mein aa gaya unko, haan, kiya hai isne kuch. Papa dekhte the, ah, okay, theek hai. Next. And I got the butter. I got the पर एडिटर की क्या हालत होती होगी ना यार, पिताजी आते तो कटवा जाते, बेटा आता डलवा जाता, मैं करूं क्या? उसको तो नींद ही नहीं. फुल डे ही यूज्ड टू सिट, फुल नाइट आई यूज्ड टू सिट. क्या मी सिद्धू सर बहुत बिजी आजकल, इलेक्शंस चल रहे हैं पंजाब में, तो उन्होंने ये कहा था कि चलो सब जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना, और आपके लिए एक छोटा सा शेर था. मैं शेर ही मिस कर रही थी. वो मैं आपके लिए, मेरी बारी में चले गए सब. वो सिद्धू साहब का शेर है, वो मैं आपको दे ही देता हूँ. तो ये सिद्धू साहब का शेर है आपके लिए, इसको पाल पोस के बड़ा करना, फिर और शेर बनेंगे. एंड सेव द टाइगर, दिस इज फॉर यू. थैंक यू, थैंक यू. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. तुम भी यामी से कम नहीं हो. बस हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी कमी है तुम्हें. यामी गौतम. I play with the pun, guys. Yeah. Yeah. तीन घंटे में इनका ऑपरेशन कर रहा था, यू नो. प्यार हो गया. हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटी. हेलो डॉक्टर, हेलो प्लेजर, प्लेजर. हेलो जी, हेलो सर, हेलो. हाय. बहुत नाम सुना है आपका. Yeah, I'm a doctor, Mr. Gulati, D-D-D-D-N-D. D-D-D-D-N-D, kya? D-D-D-I-K. Doctor saab, baithi, aram se baat kariye aap. Aram se baat kariye aap. Aram kahan hai jisse main baat kar raha hoon? Mera kehne ka matlab hai? Kehne ka matlab koi bhi ho, itne bade bade log baithe hain, itni achhi picture banayi hai, itna entertain kiya hai. Uske baad main aram se kyun baat kar raha hoon? Main ke saath baat nahi karega kya? कौन सा ऐसा डॉक्टर ऐसे झाड़ियों जैसे बाल रखता है, मेरे को बताओ पहले. ये आपको पता है राकेश सर, ये अपने बालों से ना ये मकड़ी के जाले साफ करते हैं. कम से कम वो कर सकते हैं, मैं वो भी नहीं कर सकता. और यू माइंड योर लैंग्वेज, यू सेइंग मकड़ी के जाले साफ करते हैं. मकड़ी के जाले नहीं साफ करता हूं मैं, मकड़ा का जाला साफ करता हूं. आपको पता कैसे चलता है कौन सा जाला मकड़ी का कौन सा मकड़े का? इसमें क्या बड़ी बात है, जो जाली होती है वो मकड़ी बनाती है, जो जाला होता है वो मकड़ा बनाता है. तो कौन सा जाला है, कौन सी जाली है, आपको कैसे पता चलता है? यार जो मकड़ा बनाए वो जाला, जो मकड़ी बनाए वो जाली. इतनी बात समझ में जाले, सिंपल सी बात है. अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, आप कुछ ले लीजिए, ये आप कुछ और ज्यादा नहीं बोल रहे आप. ओह गॉड, ये बटर चिकन है जो मेरे मुंह में डाल रहे हैं. इतने मेहमान आए तो बेइज्जती करवा रहे हैं आप हर बार हमारी. मेरी बेइज्जती हो रहा है क्योंकि हमारा एंकर को नहीं पता है कि जाली जाला मकड़ी मकड़ा. ना काबिल. Oh God. काबिल ना काबिल. अच्छा आज बड़ा अच्छा लग रहा है सर, मैं कोई बेकार बात भी कर रहा हूँ ना तो सिद्धू साहब हंस रहे हैं. सिद्धू साहब. guys, I think. Yeah. Let's have a party time. You have made a wonderful film. Yeah, thank you. बड़ा मजा आया, मैंने फिल्म देखी, बड़ा अच्छा लगा मेरे. देखी आपने? देखी? क्यों मेरे आंखें नहीं है? I loved the film. That's why I am in a celebration mood. Guys, let's have a good time.
चखना कौन कौन खाते हैं आप में से? आप सब, सब सब खाते हैं। मैं तो हाँ, तो थोड़ा धीरे धीरे खाइएगा क्योंकि चखना कम है, बातें बहुत ज्यादा है। क्यों आपके पास चखना कम है तो आप अंदर क्यों नहीं खा के आए, बाहर क्यों आए आप? किसने बुलाया आपको? माय फ्रेंड गालिब का नाम सुने हो? हाँ सुने। गालिब साहब ने एक बात कही थी, पर्ची पे लिखी थी अपने प्राइवेट नोट्स में, पब्लिक में नहीं आई। तो बात मैं शेयर करना चाहूंगा। वो खुशी ही क्या जहाँ दोस्तों के साथ जाम ना हो, बाजार ही क्यों जाना जब कोई काम ना हो। माय फ्रेंड गालिब का नाम सुने हो? हाँ सुने। गालिब साहब ने एक बात कही थी, पर्ची पे लिखी थी अपने प्राइवेट नोट्स में, पब्लिक में नहीं आई। तो बात मैं शेयर करना चाहूंगा। वो खुशी ही क्या जहाँ दोस्तों के साथ जाम ना हो, बाजार ही क्यों जाना जब कोई काम ना हो। Let's have a... बाजार ही क्यों जाना जब कोई काम ना हो, काम ना हो। And yeah guys, let's have a rocking time, guys. ये क्या बदतमीजी डॉक्टर साहब, ऐसे पीता कोई? यार इसमें स्ट्रॉ नहीं है ना, तो बोतल ऐसे करके पी लेते ना। ऐसे भी पी सकते हैं? हाँ तो पी के देखो। अच्छा? देखो ग्रेविटी। ग्रेविटी वो भी है। नाइस, यू आर न्यूटन। ऐसे पी सकते हैं? या इतनी बदतमीजियां करते हैं, इतने बड़े स्टार्स आए यहाँ पे, ये कौन लेके आता है ऐसे? प्याज लेके आए बाप करने के साथ। प्याज तुम ये देख रहे हो कि ये प्याज है, ये नोट कर रहे कि छिला हुआ है? तो स्टार दे, तो छिलके लाए आप। Yes. क्या बदतमीजों की तरह, क्या ये क्या पेन कौन लेके आता है साथ में? लिखना पड़ता है ना किसने क्या क्या खाया, किसने क्या क्या खाया, किताब रखा हुआ है। Let me talk to the guests. You're wasting my time. I'm celebrating party. मेरा मूड फिर खराब कर दिया तुमने। चलो बात करो आप फिर। मूड चेंज कर दूँ। Okay. Superb. You know, गुप्ता जी? Mood change कर रहा है, mind blowing. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं क्यों, आप माँ बनने वाले? सरकार मुझे 6,000 रुपए देगी तो मैं माँ बन भी जाऊंगा। Why aren't you having less of a good time, guys? Yeah, this is on your own. Yeah, come on, come on, come on. Give me some. Please have this lard and this if you can avoid, I will grab it. Good. पी गया सबके। बाकियों को भी तो पिलाओ। खराब खराब खुद ही पिए जा रहे हैं। अच्छा सीधा बोल रहे हो। बाकियों के पास तो घर में बहुत बड़ी होगी यार हमारे। आप लोग को एंजॉय करना मांगता है? Yes. आप लोग को पार्टी करना मांगता है? पार्टी करना मांगता है? वो वो बहुत चीप लगा था प्यार सारा, आठ दो याद है पूरी। माय गॉड डॉक्टर साहब बदतमीजी कर रहे हैं आप। माय काबिल टीम ओके एवरीवन ओके थैंक यू। सेंटेंस गलत है आपका। क्या बदतमीजी कर नहीं रहा, बदतमीजी कर चुका। तो जोरदार तालियां उर्वशी रोटेला के लिए। उर्वशी वेलकम एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एज यूजुअल। आइए आप यहां पे सब विराजमान हो जाइए। Party inside. You wanna join anybody? Kapil sir, Kapil sir. जी. मुझे लगता है बहुत चढ़ गई इनको. Kapil, join. मैं संभालूं इन्हें अंदर जाके. जी. सर मैं संभालता हूँ इन्हें. संभालो ना, मैं तो कहता मारो जाके. अकेला नहीं संभले यार. Let's have a good time. आ जाओ. Let him show. Let us show. बहुत शेलार सर मेरे. Perfect जी, मुझे बात भी करनी है. आइए आइए आप चलें. You guys, thank you very much. उर्वशी के लिए एक बार फिर से तालियां। बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी फिल्म को, पूरी फिल्म की टीम को, बहुत जबरदस्त फिल्म है। सिद्धू साहब
आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सर हमारे दर्शकों की तरफ से एक फरमाइश है कि जैसे आप इतनी रोमांटिक फिल्में आपने की हैं, ऋतिक माशाल्लाह बहुत अच्छी रोमांटिक एक्शन सब कुछ करते हैं, अगर और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि राकेश सर और ऋतिक सर साथ में आए हैं, आज आप साथ में आए हैं, तो ऋतिक सर के किसी भी गाने पे कुछ रोमांटिक सा हो जाए राकेश सर, और राकेश सर के गाने पे ऋतिक और यामी। सर मजा आएगा एक्चुअली, ये नई चीज है। मतलब आप कह रहे कि मैं गाऊं या नहीं? नहीं सर, गाना है हमारे पास, बजट बहुत है सर हमारे। अच्छा अच्छा। गाना हम प्ले करेंगे, आप और उर्वशी एक बार जोरदार तालियां। तो गाइस नाउ वी हैव मिस्टर ऋतिक रोशन एंड यामी। सुपर्ब। ये किसी स्टेज पे नहीं हुआ है सर। ये कभी हुआ ही नहीं सर, होगा ही नहीं। वाओ वाह कमाल है सर, आइए सर प्लीज। सर आपके फैंस वो आपसे बातें करना चाहते हैं, हमारे शो में एक रवायत होती है राकेश सर, बाकी सबको पता है आ चुके हैं सब जी, तो मैं देख चुका हूं सर। बस फिर ठीक है, चलिए इन्होंने जो भी सवाल करना है आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। यस सिद्धू जी होते तो पक्का बोलते ऑरेंज जी हु। थैंक यू ऋतिक सर जी, आई एम अ वेरी 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 बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच कपिल सर, मैं आपकी भी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ अगर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू ऋतिक सर, मैंने सुना है और मुझे पता भी है कि आप बहुत अच्छा गाते हो। माना कि मैं इतना अच्छा नहीं गाती हूँ, मगर आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग विथ यू प्लीज। बहुत अच्छा गाते हैं, थैंक यू। मैं कभी कभी तुक्के में गा लेता हूँ। अच्छा आज देखते हैं, आज सुनते हैं, हम सुनते हैं, आप गाइए जी। आगाज किया जाए म्यूजिकल इवनिंग का। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर से, पवन से दूर। थैंक यू बर्खा, थैंक यू ऋतिक सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट बर्खा, ब्यूटीफुल, थैंक यू। थैंक यू की जरूरत नहीं है, 1000 रुपए निकालो उधर मैंने। थैंक यू बर्खा, ये आप ले जाइए। थैंक यू सो 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 मच, थैंक्स फॉर कमिंग। ऋतिक सर अभी हमारा गाना, हमारा गाना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, माय फेवरेट सॉन्ग। यामी आपको आता है स्पेनिश? स्पेनिश बिल्कुल आता है। आपको आती है? बिल्कुल बिल्कुल। उर्वशी यू नो हाउ टू स्पीक स्पेनिश? कोमो एस्टा लिटिल बिट होला कोपोस्ट्रा होला के मतलब कोस्ट्रा। तो लेट्स हैव अ सॉन्ग। अच्छा ये क्योंकि ये लड़कियों की आवाज में है, एक एक माइक और है हमारे बजट में। ये है, ये है। ओके नहीं नहीं आपने तो मेरे साथ भी गाना ना, चारों के पास माइक होना चाहिए। चलो चलो ठीक। सिद्धू साहब अभी कोई जोक नहीं है, अभी चुप रहिए। ओके प्लीज प्लीज बोथ द ब्यूटीफुल गर्ल्स। एक ऐसे सुना था यामी ताकि मैं बिल्कुल लल्लू ना लगूं कि मेरे को कुछ भी नहीं आता। क्या आप कैसे बोलते बताओ? लल्लू बना रहे थे, हमें स्टेज पे आना था, नहीं आता है। मुझे बेवकूफ बना रही थी यामी, रिमेंड में फुल। ओके सो हम चारों को, ऋतिक सर को आता है स्पेनिश में? हाँ, नहीं आता मुझे। तो चलो फिर आज चारों को ही नहीं आता है। We will have fun, guys. De vuestra casa, ¿cómo estás, Custro? Mere pene tu tira tarama water and cold trail gasra. Porca, porca. The temper frame. Porca. Why is it the center? Yami Urshi. Amel Samcha. Hey. Amel Jara. जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी जाने क्यों मुझे सुनकर अच्छा लगा है सेनोरिटा। मुझको पाहो में तुम ले लो समझी ना सेनोरिटा, चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, जोरदार तालियां यामी ऋतिक सर और उर्वशी के लिए, और मेरे लिए और भी जोरदार। और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं? जी एवरीवन, हेलो जी, मेरा सवाल
उर्वशी जी से है. उन्होंने जितनी भी मूवी की है ज़्यादातर कॉमेडी की है और मैं चाहता हूँ कि वो नेक्स्ट मूवी जो भी करे वो इमोशनल मूवी करे. क्यों इतनी खूबसूरत लड़की को रुलवाना चाहते हैं आप बताइए. मैं जरूर करूँगी आपके लिए. उसके लिए तो अभी टाइम है. क्या आप एक सीन मेरे साथ इमोशनल सीन कर सकते हैं? मेरी बात सुनो. सो आप मेन पॉइंट पे अब आ रहे हैं. ये आपका क्वेश्चन. शी इज अ फ्लर्ट उर्वशी. आई कांट सी यू फ्लर्ट इन फ्रंट ऑफ माय बैक आईज. सॉरी. आइए आइए प्लीज. अच्छा मैं सिचुएशन देता हूँ उर्वशी. आइए आपने काम करना है. उर्वशी बोलेंगी कि तुम काम धंधा नहीं करते हो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ. और आपके दिल में जो भी उस समय इमोशंस आए, और सीरियसली मानना दिल से मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की, मान लो गलती से उसका दिमाग खराब हो जाए, वो आपके साथ मान लो प्यार में पड़ी जाए और वो आपको छोड़ के जा रही है अभी, तो फिर जो दिल से निकल रहे, और ये बहुत प्यारी लड़की है, इसको अगर आपके इमोशंस पसंद आ गए ना तो हो सकता है आप उसे सच्ची प्यार करने लगे. ठीक है. लाइट साउंड जनरेटर एक्शन. एक्चुअली आसिफ, मुझे आपको कुछ बताना था कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नाखुश हैं और आप कुछ काम धंधा भी नहीं करते हो, ऐसे ही बैठे रहते हो. नहीं मैं अभी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ. नहीं आप जो आसिफ भी नहीं, बोले, नहीं मैंने आपके लिए सारी दुनिया छोड़ दी है, सिर्फ आप मुझे छोड़ के ऐसे चले जाएंगे, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता. आपके क्या दीदी को छोड़ रहे हो? थोड़ा और क्या? नहीं आसिफ नहीं, बड़ी बहन को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बोलो उर्वशी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता हूँ. ऐसे घुटनों में रख के पूरा करो, फील लेके आओ अंदर. मैं बोल रहा हूँ मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे छोड़ के मत जाइए. ये इमोशन था, लग रहा नोट बंद हो रहा है. 500 का है तो दे दो और फील लेके आओ. देखिए सर मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ और आपके साथ पिछले 10 साल का ऐसे एक्सपीरियंस और आप एकदम. उर्वशी 10 साल का एक्सपीरियंस और नौकरी की उसके यहाँ 10 साल का एक्सपीरियंस. आसिफ आसिफ मुझे जाना ही पड़ेगा. ओके आपके पास मौका था, आपने गवा दिया. चलेगी आ जाएगी कहते क्यों आ जाएगी. शुक्रिया. थैंक यू सो मच आसिफ. थैंक यू कम उर्वशी. अच्छा मैं यार एक उर्वशी हाँ. मुझे पता है अभी चलो ठीक है तो मस्ती मजाक में कर रहे थे पर उसका दिल तो तोड़ा ही है तुमने अंदर से, तो उसको एक्चुअली इतने सब लोगों के सामने नहीं. उसको एक खूबसूरत मोबाइल है, हालांकि तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है. इनको दे दो और आप पैसे दे के जाना. हाथ में ज्यादा मिला नहीं. थैंक यू नानी. आप से आपके लिए करवा चौथ रखी जा रही थी. क्यों मुझे बुला लिया होता वही तो, और आप आ जा रहे हो. फोन ही नहीं किया आपने मुझे. सारे नंबर बदल दिया आपने. बड़े शोने आप. नानी करवा चौथ का व्रत नाना के लिए रखती है, उनके लिए क्यों रख रही है? आज भी तू नाना नाना कर रहा है. किसी को तो हाँ हाँ करने दे. देख तो सही इतना खूबसूरत हैंडसम नाना मिलेगा मुझे. और वैसे भी तुझे पता नहीं हम दोनों के बीच में प्यार हो चुका है. आंखों आंखों में प्यार होने दो, मुझको अपनी बाहों में रहने दो. आपको पता है ये फिल्म में मैंने आपके साथ काम किया था? नहीं ये झूठ बोल रही है सर. उस फिल्म में तो राखी जी थी. वही पर टेक्निकल रिहर्सल आपने तो मेरे साथ की थी. अच्छा उसमें जो माँ के माँ का जो रोल किया था मेरा. हाँ माँ पे जा रहे हो आप. माँ कहाँ थी? टेक्निकल रिहर्सल मैंने की थी. याद है आप ही ने तो डायरेक्टर से कहा था कि जिसका नाम ही राखी हो उसके साथ में रोमांस कैसे कर सकता हूँ. ओ बहन वाली फीलिंग आती है. तो राखी जी का बॉडी डबल मैंने किया था. हाँ तो राखी जी से हैं ही डबल हैं आप. आपने पहचाना सर इनको? वैसे झूठ बोलनी है ये. कैसे पहचानेंगे, बड़े लोग पुण्य का काम करके अक्सर भूल जाते हैं. हाँ और क्या. अरे मैं क्या, मेरी तरह हजार लड़कियां इनकी दीवानी थी, मैं तो आज भी इनकी दीवानी हूँ. और इतनी दीवानी हूँ कि इनकी तस्वीर अपने सीने से लगा के घूमती हूँ. ये देखो
सर इनकी बातों मत जाना, ये बहुत झूठी है। मेरी नानी है, ये एक्चुअली कोई बड़ा आदमी देखती है ना उसके नाम का लॉकेट बनवा लेती है। ये कभी बूफे में जाती है ना तो कड़ी चावल देखे प्लेट में डाले, आगे चलकर रसगुल्ला देखा तो कड़ी चावल फेंक देती है आगे रसगुल्ला। शुक्र है तुमने ये बात मान तो ली कि तेरे नाना कड़ी चावल है और राकेश जी रसगुल्ला। आप ही बताइए अगर रसगुल्ला सामने हो तो कोई कड़ी चावल खाएगा क्या? भले ही मुझे डायबिटीज है लेकिन आज तो रसगुल्ला खा के रहोगी। नानी तुझे पता ना ऋतिक आंखें बंद करके भी बड़ा जोर से कराटा मार देते। ओह माय गॉड, फटाफट निकलो, धंधे की बात करते हैं। आप विराजिए प्लीज, विराजिए। ओके, तो बिजनेस दरअसल ये है दुग्गू, हमारी कंपनी मतलब चंदू प्रेजेंस पुष्पा कटपीस सेंटर ने कपड़ों का नया ब्रांड लॉन्च किया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। या थैंक यू। तेरे पास पैसे कहां से आए? जिसका कोई नहीं होता कपू शर्मा, उसका इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर ने मुझे पैसे दिया है। कौन सा इन्वेस्टर? चंदू, चंदू चाय वाला, नाम तो सुना होगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर चंदू चाय वाला। यस यस यस, ले आइए। तो जोरदार तालियां। ओहो क्या बात है, क्या बात है, आपको देखिए। कैसे हैं सर? हाय ऋतिक सर, कैसे? हेलो हेलो, हेलो मैम, हेलो हेलो सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो उधर। खैर, हाय कपिल शर्मा, गुड आप। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इतने सारे काबिल लोगों के बीच में बैठकर एक और काबिल के साथ मिलकर कैसा लग रहा है आपको? तू कहां से काबिल हो गया जो आज आके चूहे के बिल में जाके बैठ के 5 रुपए लेता है एक चूहा पकड़ने का? अच्छा मैं बैठ गया, फिर आप कहां बैठोगे? कड़ा यार, आप फिट हो, आप पतले हो, आप बैठो वहां पर। मैं तो पतला हूँ, फिरंगी के लिए बहुत अच्छी फिल्म है, आप जरूर देखने जाइएगा, इट्स अ फैमिली मूवी। नानी आप इनसे बात करो। तू ही बात करना। मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ। और इनसे बोलो कि अगर मुझसे बात करनी हो तो पहले मुझसे अपॉइंटमेंट लिया करें। अच्छा चलो अपॉइंटमेंट बाद में लेता हूँ। है तुम्हारे पास अभी अपॉइंटमेंट? नहीं अभी तो है नहीं, वो घर में रह गई। चलो बाद में दे देना, स्पेलिंग थोड़े से हो जाए अपॉइंटमेंट। नानी स्पेलिंग मुंह पे मारो अपॉइंटमेंट के। APPOINTMENT। एक बार बताओ, जनरेटर के म्यूजिक पे नाचने वाले, तू इन्वेस्टर कब से बन गया बे? मेरे पास पैसे थे, मैं इन्वेस्टर बन गया। सर इन्वेस्टर बनना कोई बुरी बात थोड़ी है। बहुत अच्छी बात। पैसे कहां से आ गए तेरे पास? बस ऐसे ही, मेरे पास खानदानी किडनी थी, वो मैंने गिरवी रख दी। तो खैर ऋतिक सर, आपकी फिल्म हिट हो गई है, आप एक एक कपड़ा भी ले लेंगे हमारी दुकान से तो हमारा काम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्या बेच रहे हैं? बहुत अच्छा अच्छा हमारे पास ड्रेसेस हैं। एक तो मेरे पास ड्रेस बहुत बढ़िया है। चंदू ये बहुत बड़े लोग हैं, स्टार लोग हैं, ये तुम्हारे कपड़े लेकर क्या करेंगे? स्टार लोग कपड़े नहीं पहनते। अभी मैं आपको मॉडलिंग करके बताता हूँ। ये देखिए ये कोट है ना। अरे जो लोग इन कामों में माहिर है उनको करने दो। दुग्गू बेटा प्लीज कम, प्लीज। चलो सर आप प्लीज हमारे लिए रैंप पे वॉक करके दिखा दो, नहीं तो मेरा धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे इंस्पायर होके इनसे प्रेरणा लेके मैं करूंगा वॉक, देखिए आप। हाँ, ऐसे कैसे? ऐसे वैसे? ऐसे कैसे नहीं, इधर वैसे? कॉस्ट्यूम, एक मिनट इधर आइए। कॉस्ट्यूम? अरे मेरे कपड़े हैं सर, फुल कपड़े हैं आपके, प्रॉपर है। इस यहाँ आ जाइए सर। मतलब आप करना क्या चाहती हैं? जो हम करते हैं वो भी आपको ही करना पड़ेगा। ऐसे कैसे बचोगे? अच्छा बड़ी परफेक्ट है, रोज का काम है इनका। आप सीख के नहीं आई हैं आप, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉल आके आना चाहिए नानी। अच्छा इन्होंने खुद इतनी साड़ियां पहनी है ना लाइफ में, इनको लगता है कि सारे लड़के साड़ी पहन के अच्छे लगते हैं। अभिनेत्री रितिका रुशनाई का वार्डरोब मैलफंक्शन, साड़ी चलते चलते गिर गई। तुम लोग को शर्म नहीं आती? नहीं, नहीं। तुम लड़कों को साड़ी पहना रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा लगा। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। नानी जी मैं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, अब तो इसको सरेआम हम नीलाम करेंगे। आप ही पहन लो। अच्छा मैं क्या कह रही थी,
उर्वशी तू भी बड़ी बिजी हो गई होगी अभी, है ना? ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुहूर्त, फीता काटने के लिए जाना पड़ता होगा, कपड़ों की तो जरूरत पड़ती होगी। मेरे गोडाउन में माइंड ब्लोइंग कलेक्शन है। आप तुझे बताती हूँ, जेंट्स का भी है, आओ ना, आप भी आइए। उर्वशी, संजय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच एंड कीप रॉकिंग एज यूजुअल। थैंक यू संजय सर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कभी ऐसा हो ऋतिक, आप कोई सीन कर रहे हो और पापा कहते हैं कि चलो ऐसे नहीं ऋतिक, ऐसे करना है, और स्पेशली रोमांटिक सीन मैं तुझे करके दिखा रहा हूँ, घर जाके मम्मी को ना बताना ऐसे ऐसे। सीरियसली मेन मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, दोनों में से रोमांटिक कौन ज्यादा है, पापा के आप? रोमांटिक कौन ज्यादा है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ही इज मोर। आई थिंक ही इज मोर। ऋतिक भाई, मुझे एक जेन्युइन सा सवाल पूछना है। मैंने फिल्म में देखा आप कभी बच्चन साहब की आवाज निकाल रहे हो और बहुत सारे किरदारों की आवाज निकाल रहे हो, वो आपने खुद निकाली थी या वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे? नहीं, वो मैंने खुद मैंने कोशिश की थी और सारी आवाजें आप ही ने निकाली हैं? जी जी। क्या बात है यार, ये टैलेंट का नहीं बताता सर हमें। सर थोड़ा हमारे दर्शकों के भी हो जाए। नहीं क्या है ऐसे ही, नहीं भी सही निकलेगा तो क्या है। हेलो सुप्रिया जी, कैसे हैं आप? अमित जी, आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो, बस ऐसा कुछ। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है सर, क्या बात है। मैंने कुछ किया मैं सन्नी पाजी का फैन हूँ, सन्नी पाजी का, उनकी मैं वैसे ही मतलब एक्चुअली आदमी को जिसकी आवाज़ आती ना, आदमी बोलता है कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनकी आवाज़ निकाला जाता हूँ, कोशिश मैं करता रहता हूँ। जैसे आपने जादू में एक बड़ा एक अच्छा टोन पकड़ा था, यही तो मैं नहीं चाहता, वो बड़ा प्यारा सा टोन था, हालांकि मेरे से कभी निकल नहीं सकती, मैं कोशिश करता रहता हूँ। रोहित का एक सनी पाजी का याद है मुझे। अच्छा, आज मैं बहुत 70वीं बार कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार भी नहीं निकलेगी। नहीं नहीं आई आई। तो सनी देओल, कातिया, यह मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को बदल के उसका आकार बदल देता है, व्हाटएवर। तो नहीं निकलेगी। रोहित का यही था, मुझे डायलॉग भूल गया अभी। कोई नहीं भी डालो है? कोई भी डालो अभी, भाई बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, कोई और कोई निकालूं? हाँ और कोई। अच्छा रजा मुराद साहब आते हैं। आइए आइए रोमा देवी, आपके गांव से बहुत सारी औरतें हमें मिल जाएगी। और क्या, कौन सी निकालता था मैं? देखा, मैंने मैंने बोला था ना कि वो कर सकते, मेरे को मालूम था, मेरे को मालूम था कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी एक्सक्यूज बना रहे थे। हाँ। अच्छा, पर आप में ये टैलेंट है, आप शरारती तो बचपन से होंगे सर। वैसे शरारती थे ऋतिक बचपन में कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बहुत सोबर थे, बहुत शांत थे, मतलब जैसे आज हैं वैसे ही थे। हाँ, वेरी गुड। एक बार हम घर पे आए तो घर पे ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, स्कूल से आ गया, घर पे नहीं है, सारे कमरे देख लिए, बेडरूम हमारा लॉक था। अच्छा, चाबी हमारे पास थी, बेडरूम में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। राइट, तो कहाँ है, 2-3 घंटे हो गए नहीं मिल रहा। पुलिस को बुला लिया, सब आ गए घर पे। फिर तो मैं एक्चुअली अपनी मम्मी के कमरे के अंदर था ही। अच्छा, एक छोटा सा एक खिड़की था। अच्छा, तो उसे कहीं खोल वोल के मैं घुस गया अंदर, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन कार्टून। अच्छा, वो अंदर थी, वो VHS, तो वो देखने के लिए मैं ऐसा घुस घुस के अंदर घुस गया। कमरा लॉक है तो मैं अंदर बड़ा आराम से मैं देख रहा हूँ, और बाहर पुलिस ये वो। और फिर कुछ 4 घंटे बाद, मतलब मैं फिर वहाँ पे ऐसे सो गया, उठा तो मैंने देखा कि बाहर उसी खिड़की के बाहर मेरी मम्मी ऐसे एग्जैक्टली, मुझे अब तक याद है, तो उसी खिड़की के बाहर मेरी मम्मी ऐसे टहल रही थी ऐसे। और मैं देख रहा हूँ मम्मी क्यों रो रही, एंड देन शी इज लुकिंग एट मी, एंड देन शी लुक्स एट मी। उन्होंने पिटाई नहीं की फिर आपकी? अरे मिल गया बच्चा, मिल गया, पिटाई कहाँ, मतलब गले वाले लगा रहे हैं। मैं बोला ये क्या हो गया, ये अच्छा है। ऋतिक भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जितने भी बॉलीवुड को प्यार करने वाले वो तो फैंस हैं, आपके एक इंटरनेशनल फैन है और वो आपको बड़ा बारीकी से फॉलो करते हैं,
मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ. कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज. Oh my God. How sweet is that? So Mr. Jackie Chan. Oh my God, amazing. So sir, superb. आप जैकी सर को कुछ बोलना चाहेंगे? अगर वो मेरे सामने होते इस वक्त तो पता नहीं, आई वुड बी सो ओवरवेलम्ड. लेकिन जैकी चैन हैज डन माय स्टेप. इससे पता नहीं, ही हैज बीन एन इंस्पिरेशन. मतलब मैंने ऐसी ऐसी कहानियां और मैंने देखा भी है, विद अ ब्रोकन एंकल ब्रोकन फुट, डॉक्टर उनसे कह रहे हैं कि ये अभी वी हैव टू पुट अ प्लास्टर ऑन दिस. तो ही सेड ओके, पुट द प्लास्टर. उस प्लास्टर के ऊपर जूता पेंट करके उन्होंने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक छलांग लगाई उसी दिन. क्या बात है, मतलब ही इज एन अनबिलीवेबल मैन. एंड आई जस्ट आई एम एज अ स्टूडेंट आई थिंक वी ऑल शुड जस्ट डू दिस टू हिम फॉर इंस्पायरिंग दिस एंटायर वर्ल्ड. Jackie Chan, India loves you. India loves you. Ritik bhai, you are proud of me. Sirf mere show pe aaye aur kahin nahi aaye. Arey, aapka to koi mukabla bhi nahi. Arey sir, fir aapka bhi koi mukabla nahi. Thank you, Ritik bhai. Aaiye sir. Whoa. Oh, look at that. Oh God. Why? हाय कपूर शर्मा, मानना पड़ेगा यार, मतलब आप जैसे नाकाबिल इंसान के घर में इतने काबिल लोग. आई डोंट बिलीव इट. हेलो, आई एम बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर. सर जैसे हम सब ने आपकी फिल्म देखी काबिल, अब आप हमारा कबीला देखिए. कपूर शर्मा आप एक काम कीजिए ना, मैं एक च्युइंगम लाई हूँ, आप इसे खाइए. क्यों नहीं, इसे क्या होगा ना, आपका मुंह ऐसे चलता रहेगा, आपको लगेगा कि आप बोल रहे हैं. तो अंदर से आप सेटिस्फाइड रहेंगे और हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे. वैसे ग्रीक गॉड जी, अरे आई एम रियली रियली ह्यूज फैन ऑफ यू. और मैं आपको क्या बताऊं, नमस्ते सर. नमस्ते. और यामी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्कूल में आपकी टीचर आपसे पूछी होगी आर यू यामी और आपने कहा या मी यामी? राकेश सर ये मतलब बहुत काबिल है जी, मतलब दिख रहा है. आपको कभी इनके पर्सनल स्क्रीनिंग करनी हो 100 mm की, तो आप इस पे प्रोजेक्टर चला सकते हैं अपना. और भी तीन चार कुछ कहना चाहते हैं आप? खैर एनीवेज, ग्रीक गॉड सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज फाइनली मैंने जवाब तैयार कर लिया है और मेरा जवाब है हाँ. क्या, किस चीज का जवाब, ये क्या है? नहीं नहीं, कई सालों पहले उन्होंने सवाल किया था, इन्होंने पूछा था कि कहो ना प्यार है. उस टाइम क्या था कि मैं 18 से कम थी ना, तो मैं जवाब दे नहीं पाई. अब मैं बालिक हो गई हूँ, तो अब मैं जवाब दे सकती हूँ और मेरा जवाब हाँ है. सर लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, आपकी ये जो फिल्म है ना काबिल, से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई हूँ. मुझे इतनी अच्छी लगी है ना फिल्म, मेरा पूरा परिवार इसे सेलिब्रेट करने गया था. हाँ मेरा पूरा परिवार एक्चुअली बाहर खड़ा हुआ है, मैं उनको अंदर बुला सकती हूँ? हाँ बुलाइए ना. बुला सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, ओ थैंक यू फॉर योर परमिशन अप्पा. तुम्हारे अम्मा पापा साउथ इंडियन है, तुम तो बिल्कुल नहीं लगती. हैं साउथ, क्या अभी साउथ इंडियन लगने के लिए मैं अपने सर पे क्या डोसा पहन लूं? सर की बड़ी पिक्चर देखिए, तो अभी थोड़ी पार्टी तो बनती है. चलिए आप लोग पार्टी शुरू कीजिए ना, पार्टी पार्टी. ये तो अकेले अकेले खाना शुरू कर दिया, हमें तो इनवाइट नहीं किया इन्होंने. हाँ तो भूखे वो हैं तो वही खाना खाएंगे ना. पार्टी का हिस्सा आप लोग भी हैं, लेकिन मैं आई एम सॉरी आप लोगों के लिए खाना नहीं लाई हूँ, खाना सिर्फ उनके लिए. यार तेरे भाइयों को देखते लग रहा है, तीन तीन साल का खाना इकट्ठा खा के बैठे. ये देखो थोड़े से भूखे, आप खाइए खाइए खाइए. अन्ना खाओ अन्ना, ऐसा कुछ नहीं आप खाओ. वैसे राकेश जी मैं खाली सोच रही थी कि देखिए मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी यहाँ पर हैं, तो अगर एक रिश्ते की बात सी, नहीं आप मेरी बात समझिए, एक कुंवारी लड़की अपने माँ बाप के सीने पे कितना
बड़ा बोझ होती है पता है आपको। तो मत बैठा करना उनके सीने पे। बेकार की बात करिए, मेरी अम्मा ना हमारा खानदानी हार भी लेके आई। अम्मा खानदानी हार निकालो, हम रिश्ता पक्का करेंगे, अभी आज ही करेंगे। लाइए लाइए। अरे चेन 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 चोर, रुक जाइए रुक जाइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सुपर हीरो के आने का टाइम हो गया है। नहीं ऋतिक जी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे एक और सुपर हीरो मौजूद है। जी हाँ, और उसका नाम है सुपर बम्पर। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चोर को पकड़ के आएगी सुपर बम्पर। अरे एक मिनट जरा जोर से, जाएगी जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जरा जोर से कीजिए, और जोर से, और जोर से करूं? हाँ होएगा। आग लगा, ऐसे गुब्बारे ना वो उससे उड़ते हैं जो हवा चलाते हैं नीचे। एक्चुअली मुझसे ऋतिक सर एक काम करते हैं ना, क्या है कि मेरे अंदर से वो पावर आ नहीं रही है। मुझे लगता है अगर आप मुझे एक आध कोई ऐसा अपना प्यारा सा रोमांटिक डायलॉग सुना देंगे तो शायद शायद वो पावर मेरे अंदर आ जाए। आइए ना यहाँ आइए, मेरा हाथ पकड़ के। इस वक्त मेरे दिल से तुम्हारे दिल में जा रहा है पावर, एक दो तीन ढिशकियाँ। I have the power! मैं उड़ तो गई लेकिन मुझे चोर तक जाना है, मैं चोर तक क्यों नहीं जा रही? सॉरी तेरे पे तो यहाँ तक ही रह गई, चोर मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं तो अटक गई। एक बार ऋतिक सर, राकेश सर और यामी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। अरे आप तालियां बजा रहे सर, अच्छी लग रही है लटकती हुई। अच्छी लग रही है मतलब? बहुत अच्छी लग रही हो। सेल्फी लेते हैं सर एक आप सबके साथ। सेल्फी में ये कैसे आएगी? इनको हाँ? लेना, ऋतिक सर को बता वो कैसे लेते हैं वो वाली सेल्फी। तो ऊपर से भी आते हैं वो वाली ले। हाँ वो वाली लेते हैं। This is called a different selfie and credit goes to Mr. Ritik Roshan. काबिल रिलीज हो चुकी है और आप सब लोग उसको बहुत प्यार दे रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी भी नहीं देखी वो जा सकते हैं, आपके नजदीकी सिनेमाघर में नहीं दूर दूर के सिनेमाघरों में भी ये लगी हुई है। थैंक यू सो मच। नीचे उतरेंगे तो जाएंगे ना? शट अप, तुम इधर ही रहो। ऋतिक भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और थैंक यू राकेश सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू कपिल, अमेजिंग। थैंक यू, थैंक्स। और आप सब लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास सफाई रखें, मिलजुल के हम अपने देश को स्वच्छ बनाएं, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।